Nta Ugc ne yani imagine download it on Google Play Store. दोस्तों अगर आप चाहे तो बहुत अच्छे से स्टडी करने के लिए हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर हम आपको सभी 10 यूनिट के स्टडी नोट्स देते हैं, थ्योरेटिकल वीडियोस देते हैं, इसके साथ साथ 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर देते हैं विद टॉपिक वाइज क्वेश्चन। जैसे कि आज तक रिसर्च के क्वेश्चन आ चुके हैं वो हमने अलग रखे हैं, टीचिंग के क्वेश्चन अलग रखे हैं, कम्युनिकेशन के अलग रखे हैं। इस तरीके से सभी 10 यूनिट के जो क्वेश्चन है आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको सभी 10 यूनिट के लाइव मॉक टेस्ट देते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो जल्दी से जल्दी हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल निमीजी नेट पर। दोस्तों आज हम ICT में फाइल एक्सटेंशन के बारे में बात करने वाले हैं और इनमें से बहुत से क्वेश्चन आए हैं पीछे भी और आगे भी इसमें से एक दो क्वेश्चन आने की संभावना है, तो ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। ये दोस्तों अब हम सभी तरह की फ़ाइल एक्सटेंशन के बारे में बात करते हैं और इस वीडियो में वैसे तो हमने सभी की सभी फाइल एक्सटेंशन दी हुई है, लेकिन इस वीडियो में हम आपको मेन जो फाइल एक्सटेंशन है उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन आप ये वीडियो रोक के सभी की सभी फाइल एक्सटेंशन जरूर देख लेना, क्या पता एग्जाम के अंदर कौन सी फाइल एक्सटेंशन पूछ ले। अब देखिए सबसे पहले हम करते हैं ऑडियो फाइल एक्सटेंशन। इसके अंदर जैसे नॉर्मली आपने देखा होगा कि जैसे MP3 होती है, MP3 वो एग्जाम के अंदर क्या देंगे कि जैसे कि फाइल एक्सटेंशन .MP3 किसके लिए यूज होती है, वो आगे ऑप्शन देंगे, तो हमें उनमें से सिलेक्ट करना कि कौन सा सही है। तो MP3 किसके लिए होती है, MP3 ऑडियो फाइल के लिए यूज़ की जाती है। उसके बाद है जैसे .MPA, ये होता है MPEG 2 ऑडियो फाइल के होती है। उसके बाद .WAV, ये होती है वेव फाइल के लिए होती है। और फिर होते हैं WMA, ये होते हैं विंडो मीडिया ऑडियो फाइल के लिए यूज़ होती है। और उसके बाद जैसे WPL, ये होती है विंडो मीडिया प्लेयर प्लेलिस्ट के लिए यूज होती है। और इसके अलावा भी और जैसे यहाँ पे ये दी हुई है, ये सभी के सभी आप एक बार ज़रूर देख लेना, ये भी आ सकती है एग्ज़ाम के अंदर। अब बात करते हैं हम वीडियो फाइल एक्सटेंशन के बारे में। देखिए दोस्तों आपने वीडियो काफ़ी तरह की वीडियो देखी होगी, जैसे फुल HD वीडियो देखी है, MP4 वीडियो देखी, तो हर तरह की जो वीडियो होते हैं उनका फाइल एक्सटेंशन अलग अलग होता है, ये हमें पता होना चाहिए। अब देखिए सबसे पहले इसके अंदर है हमारे पास AVI, तो इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों ऑडियो वीडियो इंटरलेव फाइल होती है। फिर है FLV, इसका मतलब होता है अडोब फ्लैश वीडियो फाइल। और उसके बाद में जैसे ये है, ये भी आप देख लेना। और आगे हम देखते हैं कि आगे वीडियो फाइल के अंदर और किस तरह की होती है वीडियो फाइल एक्सटेंशन में, और भी है जैसे कि .MKV। दोस्तों आपने काफ़ी बार देखा होगा कि जो हमारी वीडियो फाइल होती है उसके लास्ट के अंदर एक्सटेंशन होती है, जैसे .MOV, .MP4 और .MPG, तो इस तरह की सभी होती है। तो इन सभी के बारे में हमें पता होना चाहिए कि MOV का मतलब क्या है, ये यहाँ पे फुल फॉर्म भी हमने यहाँ पे दी हुई है सभी की सभी, तो ये आपको पता होना चाहिए। और एग्ज़ाम के अंदर वो कैसे दे सकते हैं, ये दे सकते हैं दोस्तों इनमें से जैसे ये चार दे देंगे, चार फाइल एक्सटेंशन दे देंगे और वो कह देंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी वीडियो फाइल एक्सटेंशन नहीं है, तो ये हमें पता होना चाहिए, ये आप एक बार ज़रूर देख लेना। और आगे हम देखते हैं जैसे कि आगे 3GP जो है वो हमारे पहले काफ़ी यूज़ होती थी। 3GP जो वीडियो होती थी उनकी क्वालिटी बहुत लो क्वालिटी होती थी और उनका जो साइज़ होता था वो भी बहुत कम होता था, तो ये सभी के सभी आप एक बार ज़रूर देख लेना। उसके बाद है दोस्तों हमारे पास इमेज फाइल एक्सटेंशन। अब देखिए इमेज भी हमारी काफ़ी तरह की होती है, जैसे PNG हमने देखी है, JPG देखी है, तो इन सभी के बारे में हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे है .AI, इसका मतलब होता है अडोब इलस्ट्रेटर फाइल। और फिर है BMP, बिटमैप इमेज फाइल। फिर है GIF, इसका मतलब होता है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट इमेज। और GIF के बारे में पहले क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके अंदर और भी है, जैसे कि PNG की मैं बात कर रहा था, इसका मतलब होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक इमेज होता है। फिर JPEG का मतलब तो यही होता है JPEG, और इसका फुल फॉर्म मैंने उसके अंदर दिया हुआ है, जो हमारी फुल फॉर्म वाली वीडियो है उसके अंदर आप देख लेना। और उसके बाद है जैसे PSD होता है दोस्तों, जो हमारी फ़ोटोशॉप की जो फाइल होती है उसे हम PSD के नाम से जानते हैं। और .SVG, ये सभी यानी कि आपको पता होना चाहिए कि अगर एग्ज़ाम के अंदर ये आ जाए कि PSD फाइल एक्सटेंशन किसके लिए यूज़ की जाती है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये इमेज के लिए यूज़ की जाती है। और वहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए इमेज भी दिया हुआ होगा, ऑडियो फाइल भी दी हुई होगी, वीडियो फाइल भी दी हुई होगी, तो ये हमें पता होना चाहिए।
और आगे हम बात करते हैं हमारे पास टेक्स्ट फाइल एक्सटेंशन की बात करते हैं। टेक्स्ट का मतलब होता है जैसे हमारे डॉक्यूमेंट होते हैं, पीडीएफ फाइल होती है, पीपीटी होती है यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होती है, और डॉक की फाइल होती है। तो ये सभी हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे जो यूज में होती है वो होती है डॉक यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जो फाइल होती है DOC। और उसके बाद है दोस्तों जैसे कि ODT आप देख सकते हैं, ओपन ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट फाइल, और फिर है PDF जो हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, फिर है RTF रिच टेक्स्ट फॉर्मेट फाइल, इनकी कई बार फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। तो मेनली आपको ये पता होना चाहिए कि टेक्स्ट फाइल के अंदर किस किस तरह की एक्सटेंशन आती है, ये हमने यहाँ पर सभी दी हुई है। और आगे हम देखते हैं जैसे कि ये आप देख सकते हैं, आप सभी एक बार देख जरूर लेना इन सभी को। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे हमारे पास स्प्रेड शीट फाइल एक्सटेंशन। स्प्रेड शीट जैसे कि हमारी जो एक्सेल वगैरह की फाइल होगी उनके अंदर किस तरह की फाइल एक्सटेंशन यूज़ की जाती है, इसके अंदर जैसे .excel माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल के लिए यूज़ की जाती है। और एक जैसे PPT होती है, PPT होती है दोस्तों हमारे लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए यूज होती है। तो ये हमारी मुख्य रूप से फाइल एक्सटेंशन है। और इसके अलावा भी जैसे कि आप और भी कई फाइल एक्सटेंशन है जो बिल्कुल अलग होती है, अलग कैटेगरी की होती है। अब देखिए जो एक और नई फाइल एक्सटेंशन है वो है दोस्तों APK होती है, जो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन होते हैं इंस्टॉल करते तो उसकी जो फाइल एक्सटेंशन होती है उसे कहते हैं हम APK। इसका मतलब होता है एंड्रॉयड पैकेज फाइल। फिर होता है .BAT बैच फाइल, .BIN बाइनरी फाइल। तो इन सभी को आप देख लेना। और .com इसको भी कई बार जैसे .com वैसे तो आपने सुना होगा कि जो वेबसाइट वगैरह होती है उसमें लगता है, लेकिन ये फाइल एक्सटेंशन भी होता है। MS-DOS कमांड फाइल होता है। और फिर है .exe एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है। और उसके बाद देखते हैं दोस्तों हमारे पास जैसे .jar जावा आर्काइव फाइल होता है, और ये सभी आप एक बार देख लेना। और उसके बाद देखते हैं दोस्तों और सम अदर इम्पोर्टेंट फाइल भी हम देख लेते हैं, जैसे AU ये होती है बेसिक ऑडियो होती है, AVI ये हमने कर ली दोस्तों मल्टीमीडिया ऑडियो वीडियो फाइल, और BMP ये भी हमने कर ली। यहाँ पे हमने कोई और भी कई चीज़ें दी है, यहाँ पे आप देख लेना। जैसे कई चीज़ें इसके अंदर नहीं है, एक होता है हमारे साथ .CDR होता है, ये होता है दोस्तों हमारे जो कोरल ड्रा होते हैं डिजाइनिंग के लिए उसकी फाइल होती है ये। और यहाँ पे जैसे कई चीज़ें जो हमने मिक्स की हुई है पहले भी दे रखी है, फिर भी आप इनको देख लेना। और यहाँ पे GIF ये इम्पोर्टेंट है, ये पहले आ चुका है। और एक हाँ एक HTML हमें पता होना चाहिए किसके लिए यूज़ होती है, ये हमारे वेब पेज के लिए यूज़ होती है। और फिर Mac पेंट के लिए यूज़ होती है। और उसके बाद में जैसे और तो जैसे हमने ये सभी कर ली, PDF कर ली, PNG कर ली, PPT कर ली, PSD भी कर ली हमने। और उसके बाद में जैसे हाँ एक ये चीज़ है क्वार्क एक्सप्रेस होता है दोस्तों हमारे जो टाइपिंग वगैरह करते हैं उसके लिए यूज होती है। और हम देखते हैं इसके अंदर अगर कोई और भी इम्पोर्टेंट फाइल है, तो एक हमारी जिप होती है दोस्तों, जिप हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। हम किसी भी डॉक्यूमेंट को कंप्रेस करते हैं, उसका फाइल का साइज़ है वो कम करते हैं, तो उसे हम जिप फाइल के अंदर बनाने की कोशिश करते हैं। और तो दोस्तों ये थी आज की हमारी मुख्य रूप से फाइल एक्सटेंशन। आप एक बार फिर से इन सभी को ज़रूर देख लेना, क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन आने की काफ़ी संभावना रहती है। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे का बटन ज़रूर दबाइए, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों अगर आप चाहे तो बहुत अच्छे से स्टडी करने के लिए हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर हम आपको सभी 10 यूनिट के स्टडी नोट्स देते हैं, थ्योरेटिकल वीडियोस देते हैं, इसके साथ साथ 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर देते हैं विद टॉपिक वाइज क्वेश्चन। जैसे कि आज तक रिसर्च के क्वेश्चन आ चुके हैं वो हमने अलग रखे हैं, टीचिंग के क्वेश्चन अलग रखे हैं, कम्युनिकेशन के अलग रखे हैं। इस तरीके से सभी 10 यूनिट के जो क्वेश्चन है आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको सभी 10 यूनिट के लाइव मॉक टेस्ट देते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो जल्दी से जल्दी हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए।